देखिए दोस्तों, एक पाइंस पे आज शिकार पे आए हैं हम लोग। काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं। एक 10 से 12 केजी की मछली मर के भंस रही है। गोल्डन है, देख सकते हैं। यह झारखंड का साहिबगंज जिला का एक ऐतिहासिक जगह है, जिसको गूगल में आप 12 दरी के नाम से सर्च कर सकते हैं। ऊपर जो दिख रहा है रेलिंग, वो 12 दरी उधर ऐतिहासिक जगह है। उसी के नीचे एक बहुत बड़ा माइंस है, इस पे टिकट सिस्टम है। आज हम लोग शिकार पे आए हुए हैं। अभी लगभग 12 बज रहा है और हम लोग शिकार पे आए हैं। अब हम लोग अपना चराई बना रहे हैं। देखिए, मसाला दे दिए हैं, अब इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर लिए, अपना वही जो मीठा मसाला है वही है, इसको लड्डू बना ले रहे हैं। सकते हैं हमारा अपना मसाला है बना हुआ। किन्हीं को अगर ये मसाला का ज़रूरत है तो वो हमारे इस पर मैसेज करेंगे, फिर व्हाट्सएप पर सारा बात होगी, आपको मसाला मिल सकता है हमसे। इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मछली है, 15 केजी, 10 केजी, 8 केजी, कतला, रेहू, सभी टाइप की है। अभी एक मरी हुई है, गोल्डन मछली है वो, लगभग 10 केजी की, जो दिखा रहे थे आपको हम। देखिए हम चराई कितनी दूर पर करते हैं। अच्छा डिप है जहाँ चराई कर रहे हैं, लगभग 15 फीट 20 फीट पानी होगा। एक जो बोल रहे थे, एक बड़ी मछली देखिए, मरी हुई है, काफ़ी बड़ी है, गोल्डन है। हम लोगों का अनुमान है कि अंडा नहीं अपना छोड़ सकी, इसीलिए मर गई है, काफ़ी बड़ी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब अपना टोप कैसे बना रहे हैं बाइट को। ये ब्रेड है, ज़रा सा आप लोग को दिखा नहीं पाए, वो गोल वाला ब्रेड जो मिलता है मार्केट में चाय की दुकान पर, वही वाला ब्रेड है। उसको पूरा अच्छे से भुरभुरा कर लेंगे। इस तरह करने से वो पूरा चूर चूर हो जाता है और उसका ऊपर का जो छिलका होता है जला हुआ, उसे नोच कर फेंक देंगे। हम उसको दिखा नहीं पाए, थोड़ा सामान निकालने में थे हम। ये देखिए, एक ब्रेड में लगभग 50 ग्राम चना का सत्तू दे रहे हैं हम लोग, 50 से 60 ग्राम। इसमें रेहू, मिर्गल, कतला, नारियल, ये देखिए आटा भी लगभग 30-50 ग्राम के लगभग ही दे दिए हम लोगों ने। और आज थोड़ा मधु भी देंगे हम लोग, ताकि यहाँ बड़ी कतला मछली आ रही है शिकार पर, अक्सर आकर चाला करती है और भाग जाती है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा कतला के हिसाब से बनाइए, मधु दे रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, अंदाज से। मधु, जिसे हम लोग हनी बोलते हैं। पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तब फिर उस पर और एक जो मार्केट में मिलता है ना पुलाव सत्तू, वही है, इससे सेंट भी अच्छी होती है और कलर भी पीला हो जाता है। देखते ही हैं हमारा टोप, ये कल परसों का बचा हुआ था, वो गंद आ चुका है, इसलिए उस पर यूज नहीं करेंगे। अंदाजा से पानी देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। मीडियम गीला बनाएंगे ताकि कतला के लिए भी अच्छा हो
रेहू मृगल कलबांस, जो ब्लैक रेहू जिसको बोलते हैं लोग, हम लोग के यहाँ पर कलबांस बोलते हैं, वो भी मछली बहुत है इस पर। बगल में गंगा नदी है, ये जो देख रहे हैं उसके उस पार गंगा नदी है। देखिए हम लोग इसी तरह अंदाजा से इसको पूरा मिक्स कर रहे हैं। देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें लट्ठापन आ जाए। अब आगे देखते हैं शिकार क्या होता है। देखिए दोस्तों एक मछली का शिकार हुआ है, अब देखा जाए कौन सा मछली है। अरे यार भाई था लगा कभी खाल तो भी नहीं है। देखते हैं दोस्तों कौन सा मछली है, बड़ी मछली है लगता है, काफ़ी रील ले गई है, बहुत ही सूता खींचा है। कौन सा चीज बुझाओ, देखते हैं अभी काफ़ी रील ले जा रही है। जंगल से उधर जो बीच तरफ इधापी के बीच पर दिखे, अभी तक दिखाई नहीं दी है कौन सी मछली है। देखते हैं, काफी परेशान कर रही है। पास नहीं आ रहा और भाग रही है, देख सकते हैं। अभी पता ही नहीं चला कौन सी मछली है। बड़ी मछली है, रेहू मछली है, रेहू है, देख सकते हैं रेहू मछली का शिकार हुआ है, काफी बड़ी है देख सकते हैं। प्रदीप भैया धर ले भी, अरे आँख में थम जा ये मछली पानी धर भी रुकना रे, ऊपर कर दे, ओ
आस्ते चाँप के देख सकते हैं, बड़ी रेहू मछली है। अरे देख के पहले जंगल में रख। हाँ एक बार लेकर फोटो, रुक रुक एक बार। हम यहाँ जाए उठाए ना, लगभग 1.5-2 किलो लगभग लग रहा है पूरा। देखो ऊपर हमारा वीडियो बना दिए तब ना होएगा, हमका भी ऊपर जा अपने बनाइए। रश्मि भैया ठीक है, हम बोलते हैं हम पूरा देख लिए टेंगरा को। देखिए दोस्तों, एक बड़ी मछली का शिकार हुआ है। काफी रील ले गई है, देखते हैं कौन सी मछली है। देखते हैं कौन सी मछली है, बड़ी मछली है। देखते हैं कौन मछली है। अरे टेंगरा मछली का शिकार हुआ था, छूट गई।